फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखिए शराब पर हम इतनी बातें बोल गए हैं, अब कुछ भी बोलना हमको बेईमानी लगता है। अब हमारे बातों को दूसरे लोग मुँह से उगल रहे हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे हम लोग। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब कृषि कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब की शराब से मौत एक कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जितने भी शराब यहाँ पर आयातित होती है सब शराब विषैली होती है। हार्ड हेस्ट में लोग शराब बनाते हैं, शराब की जो प्रक्रिया होती है बनाने में उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो जो कमज़ोर आदमी है जो उसको खाना नहीं मिलता है और शराब का अभ्यस्त है वो पी जाता है वो तो मरेगा ही ना। तो इसीलिए समीक्षा का मतलब यही है कि गुजरात में आज कैसे है। गुजरात में तो हमसे पहले शराबबंदी है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है वहाँ, तो वहाँ कैसे शराबबंदी है। तो उसी प्रकार से गुजरात मॉडल भी अगर यहाँ अपना देते तो हम समझते हैं कि ये उचित होता है। और ये कह देना कि शराब हम बंद कर देंगे, हम समझ कह ही सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। कारण कि आज हमारे यहाँ भी हजारों सेना में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग बिना शराब के रहेंगे क्या? अब जान भी मार दीजिएगा तो भी वो शराब पीएंगे। लेकिन हाँ, शराब पीने का एक जो ढंग है वो ढंग अपनाना चाहिए, जिसकी चर्चा हम कहाँ करते हैं कि भाई रात में सो जाते हैं, सोने के समय में लोग लेते हैं, बड़े बड़े लोग ले रहे हैं तो उनको कौन जान रहा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग है, अज्ञानतावश खाना है नहीं पेट में, अब कुछ ले लेता है शराब तो नशा आ जाती है और वही पकड़ा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब वही है उसमें कि जो 1991 का जो शराब नीति है उसमें प्रोविजन है कि कोई भी शराब पी करके सार्वजनिक स्थान में नहीं जा सकता है, न किसी से झगड़ा कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में वो लोगों पर केस मुकदमा चाहे जो भी करना होती। और हद तो अब तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है या और न्यायालय के लोग कह रहे हैं कि जमानत का केसेस एक का टर्म एक साल के बाद आता है, ये कितना बड़ा न्याय हुआ, कितना जहन हुआ है करके कि जो दो महीना में एक महीना में चाहे मिलता है या नहीं मिलता है उसकी प्रक्रिया लोग करते, लेकिन आज नंबर आने में ही एक साल लग जाता है। और कहा गया है कि नंबर ऑफ जजेज आर इन्वॉल्व इसी केस में लोग हैं, जिसके चलते अन्य केस को क्लियर किया जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, न्यायालय ने बात कही, तो बहुत बड़ी बात कह दी है। इस चीज़ को माननीय नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए और सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए।